क्लियर है? अब ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि आपने अभी हिंदी में कर दिया तो अकाउंट्स भी हिंदी में देना पड़ेगा। मैंने बता दिया आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल और थ्योरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज एक खास वीडियो लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए, और वीडियो का क्या पर्पस है, क्या मकसद है मैं बताऊँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि सर हम एग्ज़ाम जो लिखें वो कैसे एग्ज़ाम लिखें, किस तरीके से एग्ज़ाम लिखें हम। तो उसी का कंटेंट आपने टैग भी देखा होगा, थंबनेल भी देखा होगा, हाउ टू राइट एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब पहले आप समझिएगा ठीक से, जो आपके बीकॉम के स्टूडेंट हैं, मैं सिर्फ बीकॉम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी ये सभी पे एप्लीकेबल है, बीए का हो चाहे बीकॉम हो। जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं, या तो उसने फॉर्म फिल करते टाइम पे फॉर्म फिल हिंदी में किया होगा, या फिर उसने फॉर्म फिल क्या किया होगा, फिल जो किया होगा उसने फॉर्म इंग्लिश में किया होगा, यही तो होगा। या तो आपने जब फॉर्म भरा होगा तो इंग्लिश टिक कर दिया होगा या हिंदी। अब क्वेश्चन बच्चों के माइंड में काफ़ी सारी एक मिथ्य है, काफ़ी सारे एक परसेप्शन है कि सर अगर हमने इंग्लिश में फॉर्म भरा है तो इंग्लिश में सारा पेपर लिखना है, और हिंदी में भरा है तो हिंदी में लिखना है। तो आप ध्यान से सुनिए, जिस बच्चे ने हिंदी में फॉर्म भर दिया है वो एग्ज़ाम को इंग्लिश में भी दे सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जिस बच्चे ने इंग्लिश में फॉर्म को फिल कर दिया है वो स्टूडेंट एग्ज़ाम को हिंदी में भी दे सकता है। अब सबसे बड़ा डाउट आता है, सर हमारे पास प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल दोनों हैं। अब सपोज़ करिए मैं आपके सामने दो सब्जेक्ट रखता हूँ, एक मैं रख देता हूँ, सपोज़ करो अभी जैसे आपका है ई कॉमर्स है, ठीक है ना, ई कॉमर्स है, और एक हम रख लेते हैं अपने सामने फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट्स का रख लेते हैं। तो सर बोलोगे सर अकाउंट्स तो हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, अगर हमने हिंदी ऑप्ट कर लिया तो अकाउंट तो हिंदी में हम कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन तो यही होगा ना। बिल्कुल जायज क्वेश्चन भी है। तो मैं बताऊं, ई कॉमर्स है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सपोज करिए आपने किस मीडियम में फॉर्म भरा था, डजेंट मैटर, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया और आपको लगता है कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आपको लगता है इंग्लिश में, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करने होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश, सेकंड हिंदी, फिर थर्ड इंग्लिश, नहीं, पेपर का पूरा थ्रो आउट द क्वेश्चन पेपर, थ्रो आउट द एग्जामिनेशन आपका सेम मीडियम होना चाहिए। ऑप्ट क्या किया था ये मैटर नहीं करता। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो चाहे आपका थ्योरी, और आपको अगर कंफर्टेबल लगता है, आपने हिंदी में या इंग्लिश में भरा था और आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप हिंदी में, ये टोटली डिपेंड, आप एग्जाम फॉर्म भरते टाइम पे क्या भरा था वो मैटर नहीं करता। आप ध्यान रखिएगा आपका क्वेश्चन दोनों में आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में। पहला डाउट सर, मेजर डाउट जो आता है ना, वो डाउट क्या आता है हमारा कि अकाउंट्स के अंदर तो दो सेक्शन हो गए सर, एक आ गया थ्योरी का सेक्शन और एक आ गया प्रैक्टिकल का सेक्शन। प्रैक्टिकल इन द सेंस जिसके अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो सॉल्व करते हैं ना सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं अकाउंट्स के अंदर, बहुत रेयर होगा जो पूरा हिंदी में करता हो, जैसे कि वो बैलेंस शीट को तलपट बोलता हो, अकाउंटिंग को लेखांकन बोलता हो, बहुत कम बच्चे होंगे, डेबिट को या फिर आपका ट्रायल बैलेंस को, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं हिंदी के। देखो मैंने तो हिंदी में भी करा हुआ है और इंग्लिश में भी करा हुआ है, मैंने तो दोनों वर्ड मेरे को पता है कि किस किस को क्या बोलेंगे हम, तो वो बहुत टिपिकल है। तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जिस बच्चे ने इंग्लिश में ऑप्ट किया है, सिर्फ मान लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं जिस बच्चे ने इंग्लिश में ऑप्ट किया है, तो वो तो थ्योरी भी इंग्लिश में कर देता है और प्रैक्टिकल भी इंग्लिश में कर देता है। लेकिन जिस बच्चे ने हिंदी में ऑप्ट किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ना ये बोलते हैं कि सर हिंदी में किया है, तो उनके माइंड में एक परसेप्शन है कि प्रैक्टिकल भी हिंदी में करना होगा, दैट्स वाई नहीं कर सकते। मैं सीरियसली बोलूँगा, हिंदी और इंग्लिश मैटर नहीं करता, आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी। तो उस केस में क्या करेंगे, मुद्दे की बात, आप प्रैक्टिकल को इंग्लिश में कर सकते हैं, वेदर आपने ऑप्ट किया है हिंदी में, वेदर आपने ऑप्ट किया है इंग्लिश में, चाहे आपने हिंदी में ऑप्ट किया था एग्जाम इंग्लिश में, प्रैक्टिकल इंग्लिश में दे सकते हैं। और थ्योरी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने किसी में भी ऑप्ट किया, आपको लगता है कि सर ने जो क्लास में बताया था
वो मुझे सारा याद तो है, बस उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, हिंदी में लिख दीजिए। आपको लगता है जो बच्चे, जिन बच्चों को हिंदी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो इंग्लिश में लिख दीजिए। तो एग्ज़ामिनेशन का आज इस वीडियो का पर्पस क्या था, समझ में आया बात आपको? पर्पस यही था, जो सभी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर हमने ऑप्ट किया था और उसमें उलझ जाते हैं, इसलिए अभी वीडियो बनाना पड़ रहा है कि लास्ट टाइम पर पढ़ रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात की कि हिंदी बोला, हिंदी तो सर दो दिन पढ़ के कर देंगे, कुछ बच्चों का मानना है। और कुछ बच्चे बोलते हैं हिंदी नहीं सर, नहीं होगा नहीं हमसे हिंदी। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी दो दिन, तो ई कॉमर्स का पेपर है जिसको इंग्लिश में समझ में आ रहा है इंग्लिश में करिए, हिंदी में समझ में आ रहा है हिंदी में करिए, लेकिन थ्रू आउट द पेपर है कि क्या आपने मीडियम चूज़ किया था, एग्जाम फॉर्म मैटर नहीं करता। क्लियर है? अब ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि आपने अभी हिंदी में कर दिया तो अकाउंट्स भी हिंदी में देना पड़ेगा। मैंने बता दिया आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का। इनफैक्ट हिंदी के अंदर भी आप कुछ एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हो जिसका टर्मिनोलॉजी आपको याद ना हो एग्ज़ाम में। तो होपफुली आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो कि हम एग्ज़ाम को किस मीडियम में लिखें। तो बच्चों मुझे यही मेरा एक थॉट था कि आप सभी को मैं बताऊँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।